بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يسألونك ماذا أحل لهم. سورت المائدہ آیت نمبر 4. سورت المائدہ کا مضمون یہ تھا اوفو بالعقود، اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرو، اور عرض کیا تھا کہ بار بار اس مضمون کو دہرایا جائے گا کہ اللہ پاک کے وعدوں کو پورا کرو. چنانچہ ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا انہیں حلال سمجھو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام بتایا ہے انہیں حرام سمجھو. اور حرام اشیاء کی ایک فہرست ذکر فرمائی ہے، حرمت علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر. دوسری آیت، تیسری آیت کے اندر وہاں حرام کی ایک تفصیل ذکر فرمائی ہے کہ مردار تمہارے لیے حرام ہے، بہتا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور خنزیر اپنے تمام اجزاء کے ساتھ تمہارے اوپر حرام ہے، اور وہ جانور جن پر اللہ کا نام نہیں پڑا گیا، اللہ کے نام کے علاوہ غیروں کا نام ذبح کے وقت پڑا گیا ہو، اور والمنخنقت، وہ جانور جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، اور وہ جانور
जो टक्कर से हलाक हुआ हो, वो जानवर जो ऊबर से लुढ़क कर हलाक हुआ हो, वो जानवर जिसको किसी ने सींग मारा हो, गर्ज ये कि अपनी मौत कोई जानवर मर गया हो और ज़िबह शरई न किया हो तो वो तुम्हारे लिए हराम है। वमा अकल सबउ, और अगर किसी दरिंदे ने किसी जानवर पर हमला कर दिया और वो जानवर दरिंदे ने उसे हलाक कर डाला है तो वो भी तुम्हारे लिए हराम है। हाँ इल्ला मादक कई तुम, अगर जानवर ऊपर से नीचे गिरा है, सींग किसी दूसरे ने मारा है, किसी टक्कर से चोट आने से वो हलाक होने लगा या किसी दरिंदे ने उसको फाड़ा और उसकी रूह निकलने से पहले पहले जक्कई तुमने उसे ज़िबह कर लिया हो, पाक कर लिया हो, तो फिर तुम्हारे लिए वो हलाल है। तो ये हराम की फहरिस्त जिक्र करने के बाद यस अरुन का मादा उहिल्ल लहुम, कहा ये लोग आपसे पूछते हैं कि मादा उहिल्ल लहुम, किन चीजों को इनके लिए हलाल करार दिया गया है, अल्लाह ने किन किन चीजों को हलाल करार दिया है, क्या क्या चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बात आई है कि अल्लाह के वादों को पूरा करो तो वादों में ये बात भी है कि जिन चीजों को अल्लाह ने हलाल बताया उन्हें हलाल समझो, क्या क्या चीजें हैं। कुल कह दीजिए, उहिल्ल लकुम अत्तय्यिबात, अल्लाह ने पाकीजा चीजों को तय्यिबात को तुम्हारे लिए हलाल करार दिया। तय्यिबात उन चीजों को कहा जाता है, तय्यिबात तय्यिबा की जमा है और तर्जमा इसका उर्दू जबान के एतबार से अच्छी चीज, उमदा चीज, पाकीजा चीज। तो तय्यिबात उन चीजों को कहा जाता है कि तबीयत सलीमा जिनसे घिन न करती हो, जिन्हें देखकर तबीयत सलीमा को घिन न आती हो, कदूरत न आती हो, उनसे नफरत तबीई तौर पर न होती हो, ये तय्यिबात हैं। बहरहाल इन तमाम तय्यिबात की, हलाल चीजों की तफसील कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात में और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में भी मौजूद है। चुनाचे जानवरों में हलाल की जो पहचानें बताई गई हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम जानवर की पहचान जिक्र फरमाई है और इरशाद फरमाया कि जानवरों में से जो पंजे वाले जानवर हैं यानी पंजा मारकर पंजे से जो शिकार करते हैं वो हराम हैं। जीनाब कुचलियों वाले जानवर और परिंदों में इसी तरह से, परिंदों में जो पंजा मारकर शिकार करते हैं, झपटा मारकर शिकार करते हैं, जी मखलब, तो ये जानवर हराम है। तो जिनके बारे में कुरान ने या हदीस में हराम की तस्रीह नहीं की गई है और उनके अंदर हराम होने की कोई अलामत मौजूद नहीं है तो उनको हलाल समझा जाएगा। तो बस ये पहचान बताई है कि दरिंदों में से या जानवरों में से, चौपाइयों में से ऐसे जानवर के जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं और पंजे से शिकार करते हैं, झपटा मार के शिकार करते हैं और जीनाब हैं, कुचलियों के दांत हैं, ये उनके हराम होने की निशानी बताई है। और परिंदों में से भी इसी तरह से जो दूसरे परिंदे पर झपटा मारकर शिकार करते हैं, पैरों से शिकार करते हैं, तो उनको हराम करार दिया। तो इसके अलावा फरमाया उहिल्ल लकुम अत्तय्यिबात, तुम्हारे लिए तय्यिबात को हलाल करार दिया गया है। वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह मुकल्लबीन तुअल्लिमूनहुन्न मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, और वमा अल्लमतुम, और वो चीजें भी तुम्हारे लिए हलाल करार दी गई हैं जो सिखाया है तुमने जवारेह को, मुकल्लबीन इस तौर पर के वो जवारेह जख्म लगाने वाले हों। तफसील करता हूँ, तो अल्लिमूनहुन्न, उन जवारेह को तुमने सिखाया हो, मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, इस तरह से जैसा कि अल्लाह पाक ने तुम्हें सिखाया है। जवारेह से मुराद शिकारी कुत्ता, बाज और इस किस्म का कोई शिकारी जानवर जिसके जरिए से शिकार किया जाता है। तो कुत्ते के जरिए से शिकार लोग करते थे, बाज के जरिए से लोग शिकार करते थे, तो इन जानवरों को जवारेह कहा गया है, जख्म लगाने वाले जानवर। अच्छा, उसके लिए शरायत है, ऐसा नहीं है कि कुत्ता किसी के पीछे, शिकारी के पीछे, हिरन के पीछे आपने भेज दिया, उसने जाके पकड़ लिया या उसने खा लिया तो फिर उस हिरन को खाना जायज हो, या खरगोश के पीछे आपने कुत्ते को भेजा, इसके लिए शरायत है। पहली शर्त तो यह है कि वो शिकारी जानवर, चाहे वो परिंदा हो, बाज या वो कुत्ता हो, शिकारी जानवर जिसको भी आपने शिकार के लिए भेजा है वो तालीम याफ्ता हो, उसको सिखाया गया हो, उसको सुधाया गया हो, और उसकी तालीम
जानवर की ये है या परिंदे की तालीम ये है कि जब आप उसको भेजें और जब वो अपने शिकार की तरफ जा रहा हो, अगर आपने उसको वापस बुलाया तो आपके इशारे पर वो वापस आ जाए। अगर उसके अंदर ये सिफत और ये सलाहियत मौजूद हो गई है तो वो तालीम याफ्ता कहलाएगा। समझे जी? तो ये उसकी तालीम है। इसलिए फरमाया जब तुमने उसको सिखाया हो तो तब, तो सिखाने से मुराद ये है कि इतना आपने उसको सुधाया हो, इतना आपने उसको समझाया हो और इस कदर आपने उसे सिखाया हो, आपसे उनसियत रखता हो कि अपना उसका मरगूब मशगला शिकार है। मिसाल के तौर पर वो शिकार की तरफ भागा और जैसे ही दरमियान में पहुंचा, करीब पहुंचा, आपने उसे आवाज दी तो वो शिकार वहां ही छोड़े और आपकी तरफ वापस पलट के आ जाए। अगर ये सलाहियत उसमें है तो ये सिखाया हुआ सुधाया हुआ कहलाएगा। एक शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त यह कि जब आपने उसको भेजा हो शिकार के पीछे, आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर भेजा हो, बिस्मिल्लाह आपने पढ़ी हो और फिर आपने उसे भेजा हो। और तीसरी शर्त यह है कि ये जो कुत्ता या बाज आपने भेजा है, इसने उसे कोई जख्म लगाया हो। एक तो यह है कि जैसे ही जाके इस कुत्ते ने या बाज ने उस शिकार पर झपटा मारा, वो डर से मर गया, गला घुट गया उसका, दम घुट के मर गया, वो नहीं, जख्म लगाया हो इसने, तो जख्मी करना भी शर्त है। चौथी शर्त यह है कि वो शिकार जो उसने शिकार किया है उसमें से जर्रा बराबर उसने खुद न खाया हो। तो अगर ये चार शर्तें पाई जा रही हैं तो फिर उस शिकार का शिकारी जानवर का शिकार किया हुआ आप खा सकते हैं। तो पहली शर्त क्या हुई कि वो जानवर सुधाया हुआ हो, और सुधाने की तफसील बता चुका हूं कि जब आप उसको भेजें शिकार की तरफ जा रहा हो और फिर आपने उसको वापस बुलाया तो आपके इशारे पर अपना मरगूब मशगला शिकार छोड़कर वापस आ जाए। तो ये पहली शर्त है। तो इतना अगर है तो फिर वो सुधाया हुआ है। अगर सुधाया हुआ नहीं है, वैसे ही आपने कुत्ता छोड़ दिया, वो सुधाया हुआ नहीं है और उसने जाके जख्मी कर दिया, या आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के भेजा था, सुधाया हुआ नहीं है, अब वो जब आप उसको भेज देंगे तो वापस नहीं पलटेगा, लेकिन जैसे ही उसने जाके शिकार को और झपटा मारा, जख्मी भी कर दिया, वो मर भी गया, अब तुम्हारे लिए हलाल नहीं होगा। सुधाया हुआ होना शर्त है। तो ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त कि जब आपने उसको छोड़ा हो, बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़ा। और तीसरी शर्त यह है कि उसने जख्मी भी किया हो। और चौथी शर्त यह है कि उसमें से उसने कुछ भी ना खाया हो। अगर ये चार शर्तें पूरी हैं तो फिर आपने जो शिकारी जानवर शिकार पर छोड़ा है, उस शिकारी का शिकार किया हुआ आपके लिए हलाल है। अब आपने जिबह न भी किया हो तो हलाल है, लेकिन अगर आप पहुंच गए वहां या वो पकड़ के ले आया आपके पास, उसमें रूह बाकी है, फिर तो जिबह करना ही करना है, फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर आप जिबा करते हैं तो फिर तो कोई मसला, फिर कोई भी शर्त ना हो। वैसे अगर आपके पास एक कुत्ता आप साथ लेके जा रहे थे और उसने किसी शिकार को देखा, झपटा उस पर, उसने जाके पकड़ लिया और वो भी जिंदा ही था शिकार के, आप पहुंच गए, आपने जाके जिबा कर लिया, अब यहां कोई शर्त नहीं है। यहां इसलिए कि आपने जिबा कर दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के जिबा किया, आपने खुद जिबा किया, आपने खुद उसका दम मसफू निकाला है, अब कोई शर्त नहीं है। ये उस सूरत के अंदर है कि जब उसने जाके उसको जख्मी किया और उसके जख्म से मर गया हो, आपने जिबा न किया हो, तो फिर ये चार शर्तें कि वो सुधाया हुआ जानवर हो, कुत्ता जिसको शिकारी को आपने भेजा, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने उसको इरसाल किया हो, आपने भेजा हो, और उसने जख्म भी किया हो और उसने उसमें कुछ खाया भी न हो। तो अब ये इन्हीं अल्फाज से ये इशारे समझ में आते हैं, जरा गौर करें। वमा अल्लमतुम, और जो तुमने सिखाया है जवारेह को, जवारेह से मुराद कुत्ते और बाज, जख्म लगाने वाले जवारेह को जो तुमने सिखाया है, लेकिन इस शर्त पर कि वो जवारेह क्या हो, मुकल्लबीन, जख्म लगाने वाले हो, मुकल्लबीन, तुमने उन्हें भेजा हो। जवारेह का लफ्ज बता रहे हैं, जवारेह जारेहा की जमा है और जारेहा कहते हैं जरह, जख्म, और मुकल्लबीन का माना है तुमने उसे भेजा हो, इरसाल किया हो। मुकल्लबीन मुसल्लतीन के माना में है, मुसल्लत किया हो तुमने, ये हाल है अल्लम तुम की जमीर से। दो शर्तें हो गई, जवारेह से समझ में आया कि उसने बोलो जख्मी किया हो, मुकल्लबीनहुन मुकल्लबीन से समझ में आया कि तुमने उसे भेजा हो, तो अल्लिमूनहुन इससे समझ में आया कि तुमने उसे सिखाया हो, सुधाया हुआ हो, मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, जैसे अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है।
फकुलू मिम्मा अमसकना, और फरमाया कि फकुलू खाओ तुम मिम्मा अमसकना जो उसने रोका है तुम्हारे लिए, यानी खुद उसमें से न खाया हो तो तब मिम्मा अमसकना खा लो मिम्मा उस शिकार में से, अमसकना जो शिकारी ने तुम्हारे लिए रोक दिया है, उसने पकड़ा हुआ तो है लेकिन खाया नहीं है उसने। वज़कुर इस्मल्लाह अलैहि, और अल्लाह का नाम भी याद करना है भेजते वक्त। जब आपने इरसाल किया था, अगर इरसाल करते वक्त भेजते वक्त आपने अल्लाह का नाम नहीं पढ़ा तो फिर तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। अब फिर फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि मामलात पेचीदा होते हैं तो इसलिए अल्लाह का डर बड़ी बुनियाद है। ऐसा ना हो कि जनाब शिकार जब हाथ में आ गया तो उस वक्त बिस्मिल्लाह तो नहीं पड़ी थी, फिर तुम्हें शैतान के नहीं पड़ी थी, वाकई पड़ी थी तुमने, समझे जी। उसने रोका अपने लिए, उसने कुत्ते ने बीच में से खा लिया है, फिर भी कहो नहीं नहीं ये तो जख्म इसको ऐसे ही लग गया है, तावीलात करने लग जाओ तो कह नहीं वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहना इस मामले में। ये बड़े कड़े और सख्त शरायत हैं। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह तबारक तआला जल्द हिसाब लेने वाला है। यहां ये बात भी ज़हन नशीन फरमा लें कि अगर कोई आदमी इसी तरह से कोई शिकारी सामने से कोई शय जा रही है, कोई शिकार जा रहा, उस शिकार की तरफ किसी ने बर्छा फेंक दिया इसी तरह से बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर, और वो बर्छा उसको लगता है, वो नेजा उसको लगता है, तीर उसे लगता है और वो उसे जाके जख्मी करता है, बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने फेंका उसने जख्मी कर दिया और वो मर गया, तो अब वो तुम्हारे लिए हलाल है, इसलिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने फेंका और उसने जख्मी भी किया। लेकिन अगर आपने पत्थर मारा ऐसी चीज के जिससे जख्म न लगे और दब के मर जाए तो ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। इसीलिए बंदूक की जो गोली है उसका शिकार हलाल नहीं है, उसका शिकार उसी सूरत में हलाल होगा जब आप उसको ज़िबह करेंगे। अगर आपने उसकी जान निकलने से पहले पहले ज़िबह कर दिया बंदूक का शिकार तो फिर आपके लिए हलाल है। लेकिन तीर वगैरह का शिकार है या इसी तरह से किसी तेज आला का शिकार है, धारीदार किसी चीज से आपने शिकार किया है और आप ज़िबह नहीं कर पाए लेकिन जख्म लगा उसका खून निकला बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने वो शय फेंकी थी, वो हलाल है। ये ज़िबह इस्तिरारी कहलाता है, इस्तिरारी ज़िबह, जैसे कुर्बानी के मौके पर भी ये सूरतें पेश आती हैं। इस्तिरारी ज़िबह ये है कि अगर कोई जानवर भिदक गया है और वो काबू में नहीं आ रहा और उसको हम शरई तरीके से ज़िबह नहीं कर पाते, गर्दन से हम उसे ज़िबह नहीं कर पाते, तो ठीक है, हुक्म है आप बिस्मिल्लाह पढ़कर उसकी तरफ कोई छुरा तीर तलवार इस किस्म की कोई चीज़ उसकी तरफ फेंके जिससे वो जख्मी हो जाए और फिर वो गिरे तो ज़िबह कर ले। अगर वो आपने नवी जख्मी आपने छुरा फेंका उसकी तरफ वो जख्मी हो गया, गर्दन से ज़िबह न भी हुआ तो तब भी हलाल हो जाएगा। इसको कहते हैं ज़िबह इज़्तिरारी, इज़्तिरारी हालत में ज़िबह। लेकिन आपको कुदरत हो गई है ज़िबह करने की तो फिर तो ज़िबह करना ही करना है। तो बंदूक का जबा जो बंदूक का शिकार किया हुआ उसके बारे में यही हुक्म है कि जब आप वहां पहुंच गए तो आप अपने हाथ से अगर ज़िबह करेंगे तो वो हलाल है, लेकिन गोली उसको लगी और आपके पहुंचने से पहले पहले वो मर गया तो वो हराम समझा जाएगा, वो हलाल नहीं है, गो कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के फेंका हो। इसलिए कि गोली जो है ना ये आले जारहा में से नहीं कहलाएगी कि जनाब जिस तरह से तीर है या कोई लोहे की तेज धार चीज है, ये तो उसके अंदर एक पावर है, उस पावर से वो मरा है, वो बारूद है जिसने उसको फाड़ा है जाके। हाँ फिर तो कोई हरज नहीं है, वो तो उसी सूरत में बंदूक की गोली आपने चलाई है बिस्मिल्लाह के बगैर चलाई है लेकिन आपने ज़िबह कर लिया। ये तो सारी सूरतें जैसे जानवर आपने भेजा है, कुत्ता आपने भेजा है, आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी लेकिन आप पहुंच गए और वो जिंदा था, आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़िबह कर लिया, तो अब तो कोई हरज नहीं। वमा अल्लमतुम, और जो तुमने सिखाया है जवारेह को, ये जवारेह मफूले भी बनेगा, ठीक है। तो जवारेह का तर्जमा आप कुत्ते से या बाज से कर ले, मैं अर्ज कर रहा हूं कि शिकारी जानवर, और जो तुमने सिखाया हो शिकारी जानवरों को इस हाल में कि मुकल्लबीन, तुमने उनको भेजा हो, मुरसिलीन के माना में आपने उनको भेजा हो, तो अल्लमूनहुन्ना, और आपने उनको सिखाया हो, मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, जैसे अल्लाह ने तुम्हें बताया है, यानी अल्लाह के अहकाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो अहकाम हमें पता चले और इन अल्फाज से भी हमें जो पता चल रहे,
फकुलू खा लिया करो, मिम्मा अमसकना उसमें से, अमसकना वो जो रोक ले तुम्हारे लिए। अमसकने के अंदर जमीर राजे है जवारेह की तरफ कि वो शिकारी कुत्ते या बाज तुम्हारे लिए रोक ले। अलैकुम तुम्हारे ऊपर, वज़कुरु इस्मल्लाही और अल्लाह का नाम भी पढ़ना है भेजते वक्त, वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरते रहो, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। अगर इस मामले में आपने कोई कोताही की तो अल्लाह पाक हिसाब लेने वाला है। इसलिए कि किसी हराम को तुमने हलाल समझ लिया अपनी तावील करके, नफ्स की तावील करके उसको आपने हलाल समझा, तो फिर समझते रहना कि अल्लाह सख्त सरीउल हिसाब है, शदीदुल इकाब है, सख्त सजा देने वाला है, अल्लाह से डरते रहना। वैसे भी शिकार के मुतालिक जो अहादीस मुबारका में ये बात आई है, एक चीज की इजाजत एक अलहदा है, जवाज है, इजाजत है, आपने शिकार की इजाजत दी है, लेकिन शिकार के अंदर, शिकार के पीछे आमतौर पर आदमी गाफिल हो जाता है, अहकाम से गाफिल हो जाता है। अगर वो नमाज से गाफिल हो रहा है, अहकाम से गाफिल हो रहा है, फराइज से गाफिल हो रहा है, तो फिर तो वो जायज ही नहीं है। वो गफलत इसलिए होती है कि शिकार के पीछे जब इंसान भागता है, वो सामने होता है, फिर वहां करीब पहुंचता है, फिर शिकार आगे निकल जाता है, फिर वहां पहुंचा फिर आगे निकल जाता है, फिर वहां पहुंचा फिर आगे निकल जाता है, तो इस तरह से बस वो आदमी को धोखे देता रहता है और आदमी उसके पीछे भाग रहा होता है, नमाजें भी छूटती हैं। इसलिए हदीस में आता ना कि जो शिकार, जिसने शिकार किया वो गाफिल हो गया। तो बहरहाल अगर इंसान उस गफलत से अपने आप को बचाए, फराइज वाजिबात की आमाल की पाबंदी रहे, तो कोई मना भी नहीं है, कोई हर्ज नहीं, गुंजाइश है। तो एक तो ये बातें यहां पर बता दी कि किस किस्म के शिकार, कैसे आप उनको शिकार करेंगे तो हलाल है। अल यौम उहिल्ल लकुम अत्तय्यिबात, आज के दिन तुम्हारे लिए तय्यिबात को, पाकीजा चीजों को हलाल करार दिया गया। इसकी तफसील पहले अर्ज कर चुका हूं। और इसके अलावा क्या हलाल है? व तुआमुल लदीना उतुल किताब हिल्लुल लकुम, और वो खाना उन लोगों का जो अहले किताब है, जिनको किताब का इल्म दिया गया है, उनका खाना हलाल है तुम्हारे लिए। इस खाने से मुराद ज़बीहा है कि अहले किताब का ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है, वरना अहले किताब का खाना या उनकी बनाई हुई मसनुआत अगर तुम्हें यकीन है कि इसमें कोई हराम शय की मेज़श नहीं है, तो बगैर किसी कराहत के आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये बात अपनी जगह पर है कि ऐसे यहूद व नसारा या ऐसी गैर कौमों की मसनुआत कि जो आप समझते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, और वो अपनी मसनुआत को आपके अंदर बेचकर उससे पैसा कमाते हैं और फिर वो इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी मसनुआत से तो आदमी को बाइकॉट करना चाहिए, ऐसी से बाइकॉट करना चाहिए कि हम अपने मुल्क के अंदर जो अपने मुल्क की बनी हुई अशिया हैं, मसनुआत हैं, उनको हम इस्तेमाल करें। क्या जरूरत है हर चीज बाहर से खरीदने की, हर शय बाहर की खरीदने की? अगर एक चीज हमारे मुल्क की अपनी बनी हुई है, उसमें और बाहर से जो आने वाली शय है, दोनों में कोई खासा फर्क नहीं है, तो हमें अपने मुल्क की चीज को इस्तेमाल करना चाहिए कि एक मुसलमान को हम फायदा पहुंचाएं, अपने मुल्क को हम फायदा पहुंचाएं। हम दो आदमी आपके सामने आए हैं, एक मुसलमान कोई शय बेच रहा है, एक काफिर कोई शय बेच रहा है, हमदर्दी का तकाजा यह है कि हम मुसलमान को फायदा पहुंचाएं। हम क्यों काफिर को फायदा पहुंचा रहे हैं? और फिर खास तौर पर वो काफिर जो आपका दुश्मन है, आप इसको इसी सतह पर ले लो ना कि महल्ले के अंदर एक दो दुकानदार हैं आपके सामने, एक वो दुकानदार है जो आपका दोस्त है और एक वो दुकानदार है जो आपका दुश्मन है, आप किससे खरीदे? से आदमी दोस्त से खरीदेगा ना कि मैं इसको फायदा पहुंचाऊं। आज मुझे 10,000 की शॉपिंग करनी है, किससे करूंगा? अपना जो दोस्त है उससे करूंगा, मैं अपने दुश्मन को क्यों फायदा पहुंचाऊं? लेकिन चूंकि हमारे यहाँ स्टेटस बहुत बड़े हो गए हैं और हम इसको जिंदगी का मैयार समझ बैठे कि हर चीज बाहर से आनी चाहिए हमारे पास, तो ये चीज, ये नजरिया, ये सोचे गलत हैं। तो अर्ज कर रहा हूं कि मसनुआत जो गैर मुस्लिम अकवाम की बनी हुई हमारे पास आती हैं, अगर उनमें कोई हराम शय की मेज़श नहीं है तो इस्तेमाल करने में मुजायका नहीं है। लेकिन सिर्फ बात ये अर्ज कर रहा हूं कि उनसे बायकॉट इसलिए करने का कहा जाता है या हुक्म दिया जाता है कि आप बिला वजह उनको न नफे पहुंचाओ, इसलिए कि वो सारा पैसा फिर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और अपने मुल्क की मसनुआत को आगे बढ़ाओ, अपने मुल्क को, अपने मुसलमानों को तरक्की दो, उनकी खैरखाही सोचने की कोशिश किया करो।
दूसरी चीज है अहले किताब का जबीहा, यहां बात जबीहे की हो रही है, या तो आम से मुराद जबीहा है, तो आम से मुराद खाना नहीं है, जबीहा है। तो अहले किताब का जबीहा तुम्हारे लिए हलाल है, लेकिन याद रखिएगा अहले किताब का जबीहा आपके लिए उस वक्त हलाल होगा कि जब अहले किताब किताबी किताबी हो, यानी किताबी का मतलब ये होता है कि जो दीन मूसवी या दीन ईसवी का कायल हो, मुकम्मल मूसा अलैहिस्सलाम के दीन का पैरोकार हो या ईसा अलैहिस्सलाम के दीन का पैरोकार हो, उसको किताबी कहा जाता है, वो अहले किताब में से है। लेकिन अगर अहले किताब दहरिया है, जैसे कि आजकल नाम का यहूदी तो है, नाम का नसरानी तो है, लेकिन उसके अंदर ख्वाहिशात का हद दर्जे का गलबा कि ना वो तौरात पर अमल करना चाहता है, ना वो इंजील पर अमल करना चाहता है, ना वो कुरान की तालीमात को लेता है, उसकी सोच दहरियों वाली है, तो ये जो दहरिया किस्म के लोग होते हैं, सिर्फ नाम से यहूदी होना, सिर्फ नाम से नसरानी होना, नाम से अहले किताब होना काफी नहीं है। वाकईतन वो अहले किताब के नजरियात का कायल हो और फिर वो अल्लाह के नाम से ज़िबह करता हो, और अहले किताब के नजरियात में ये बात भी शामिल है कि वो अपने नबी का एतराफ करता हो, किसी दूसरे नबी की तौहीन और तज़लील न करता हो। इसलिए कि तौरात में तो यही बात है ना, कि तौरात में तो ये मजमून समझाया गया है, आने वाले अंबिया अलैहिस्सलाम की भी तस्दीक करना, गुज़श्ता की भी तस्दीक करना, इंजील में भी यही मजमून समझाया गया है। तो इसलिए वह तो आमीन ओतुल किताब हल्लकम, कि तुम्हारे लिए हलाल है जबीहा उन लोगों को जिनको किताब का इल्म दिया गया। मैंने अर्ज किया कि वो अहले किताब हों, वो दहरिये न हो। और वह तो आमकुम हिल्लुल्लहुम, और तुम्हारा जबीहा उनके लिए हलाल है, आप अपनी अशिया उनको खिला सकते हो, इसमें तो कोई मुजायका नहीं है। इससे पता चला कि आप अपनी चीजों को गैर मुस्लिम को खाने के लिए दे सकते हो, आप अपना खाना अगर उसे देना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है, कुर्बानी का मौका था आप गोश्त देना चाहे कोई हर्ज नहीं है, आपके पड़ोस में एक किताबी रहता है, यहूदी नसरानी रहता है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला रहता है, आप अपने घर से खाना बना के उसे देते हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इस्लाम तो इस खैरखाही का हमें हुक्म देता है। और वह तो आम उल्लदीन ओतुल किताब हिल्लुल्लकुम वह तो आम हुकुम हिल्लुल्लहुम, और क्या हलाल है, वल मुहसनात मिनल मोमिनात, और तुम्हारे लिए पाक दामन औरतें हलाल है, उनसे निकाह करना तुम्हारे लिए हलाल है, वल मुहसनात पाक दामन औरतें, मिनल मोमिनात ईमानदार जो हों, जो ईमान वालियां हों वो तुम्हारे लिए हलाल हैं, उनसे निकाह तुम्हारे लिए हलाल है, लेकिन उनसे निकाह तुम्हारे लिए हलाल है बशर्ते कि वो आपकी महरम ना हो तो, और महरम की तफसील सूरतुन्निसा में तफसील से आ चुकी है, और बशर्ते कि वो किसी की मनकूहा भी ना हो, उसकी तफसील भी पांचवें सिपारे की पहली आयत में आ चुकी है, वल मुहसनात मिनन्निसा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, कि वो खवातीन के जो किसी की मनकूहा है वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। इसी तरह से वल मुहसनात मिनल्लदीन ऊतुल किताब, और वो पाक दामन औरतें जो अहले किताब में से हों, यानी किताबिया लड़कियां, नसरानी औरतें और यहूदी औरतें, उनसे निकाह करना तुम्हारे लिए हलाल है। ये जरा यहां तफसील है, ज़ेर नशीन फरमा लें, नसरानी लड़की से या यहूदी लड़की से निकाह करना तुम्हारे लिए हलाल है, यानी उनसे रिश्ता लेना तुम्हारे लिए हलाल है, देना तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। तुम यहूदी लड़के को अपनी लड़की दो, नसरानी लड़के को अपनी लड़की दो, ये किसी भी सूरत में जायज नहीं है, अलबत्ता उनसे रिश्ता लेना तुम्हारे लिए हलाल है। यहां बात आई है कि उनसे रिश्ता लेना तुम्हारे लिए हलाल है, यहां पर भी ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन फरमाए कि किताबिया लड़की से, यानी यहूदिया लड़की से और नसरानिया लड़की से निकाह करना तुम्हारे लिए हलाल होगा, उसी सूरत में कि जो वो यहूदियत पर नसरानियत पर बरकरार हो, वो दहरिया सोच वाली ना हो। तो तब अगर वो दहरिया सोच रखती है, इस वक्त यूरोप का मजहब यहूदियत और नसरानियत नहीं है, ख्वाहिशात परस्ती है, जो जी में आया वो है, ये मादा परस्ती ख्वाहिशात परस्ती ये मुस्तकिल एक मजहब है, ये अहले हवा का अहदे बातिल का एक मुस्तकिल मजहब है, ख्वाहिशात के पीछे चलने वालों का एक मजहब है, वो अपनी किताबों पर भी नहीं चलना चाहते, तौरात और इंजील पर भी नहीं चलना चाहते। आपका क्या ख्याल है कि वो इस वक्त अगर पूरी दुनिया में तसल्लत चाहते हैं तो तौरात को नाफिज करेंगे या इंजील को नाफिज करेंगे? कतान नहीं, वो खुद निफाज इनकर नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं? ख्वाहिशात, ख्वाहिशात, हर जी में आई बात को मानना, नफ्स की बात की पैरवी करना, नफ्स की पूजा करना, और अपने अंदर की जो अना है उस अना पर पूरी, उस अना को पूरी दुनिया पर मुसल्लत करना, ये उनकी चाहत है।
तो इसलिए यहां पर भी ये ज़हन नशीन फरमा लें कि किताबिया लड़की से निकाह करना तुम्हारे लिए उस सूरत में हलाल है कि वो वाकयातन किताबिया हो, नसरानिया हो या यहूदिया लड़की हो। अब यहां तक तो बात है हुक्म ये। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस तरह से जब इस्लाम अरब से निकला बाहर अजम की तरफ गया तो कुछ लोगों ने किताबिया लड़कियों से शादियां की। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को जब इसकी इत्तला, अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला ने एक शादी की किसी किताबिया लड़की से, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने खत लिखा और कहा कि इसे तलाक दे दो। तो उन्होंने जवाब में लिखा कि क्या अल्लाह पाक ने यह नहीं फरमाया, ये आयत पेश की, वल मुहसनात मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब, कि ये तुम्हारे लिए हलाल है, अगर तुम उनको महर अदा कर दो तो तुम्हारे लिए हलाल है, मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, तुम पाक दामनी हासिल करने के लिए निकाह करो तो तुम्हारे लिए हलाल है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, मैं हलाल और हराम से बहस नहीं करता, ये दोबारा मेरा खत आप तक पहुंचे तो आप इसको तलाक दो वरना दुर्रे से आपका हिसाब लूंगा। बहुत सख्ती से बात की और फिर इरशाद फरमाया कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो मुसलमान लड़कियां कहां जाएंगी, उनसे कौन निकाह करेगा, मुसलमान लड़कियों की क्यों हौसला शिकनी करते हो, उनसे कौन निकाह करेगा। नंबर दो, अगर जब तुम्हारे बच्चे होंगे उन बच्चों की तरबियत कौन करेगा, वो किताबिया लड़की, नसरानिया लड़की, यहूदिया लड़की तरबियत करेगी तो वो कैसी तरबियत करेगी, क्या वो तुम्हारे नबी की सीरतों से सिखाएगी, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अपने बच्चों को सिखाएगी। और बात वही आती है कि वो तो अपने दीन को इस वक्त अपने दीन पर चलने को तैयार नहीं है तो तुम्हारे नबी के दीन पर कैसे चलेंगे। तो फरमाया ये दो बड़ी खराबियां हैं, इन दो बड़ी खराबियों की वजह से मैं तुम्हें मना करता हूं। चुनाचे उन्होंने तलाक दी और सब सहाबा ने इस बात को कबूल किया कि हाँ भाई बात ठीक, किसी भी अमर मजबूरी अगर कोई ये करता है तो इसकी गुंजाइश दी गई है, वो भी शरायत के साथ। लेकिन सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हु अजमाइन ने इसकी हौसला अफजाई नहीं फरमाई, हौसला शिकनी फरमाई। देखो किसी चीज का जवाज होना एक अलग चीज है, तलाक जायज है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अब गजुल मबाहात कहा कि जायज चीजों में सबसे बदतरीन मबगूज तरीन चीज तलाक है। क्या तलाक हराम है, वह जायज तो है, गुंजाइश होना एक अलग चीज है, किसी चीज का जवाज एक अलग चीज है। तो इसलिए इससे कोई गलत फायदा ना उठाए, इसलिए कि मुसलमान बेटियों से निकाह करना अगर ये सिलसिला रहेगा तो अगर गैर अकवाम यहूदिया लड़की नसरानिया लड़की उसका हुसन अगर किसी को बहा जाए, उसका माल किसी को बहा जाए तो ये तो उससे निकाह करेगा, मुसलमान लड़कियों से कौन निकाह करेगा, मुसलमान लड़कियां बगैर निकाह के रह जाएंगी। और आज के माहौल के अंदर भी इसी तरह से जहां पर्दादारी है, जहां दीनदारी है, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो बेचारियां सिर्फ दीनदारी की वजह से निकाह से महरूम है, पर्दे की वजह से निकाह से महरूम है, पाक दामनी की वजह से निकाह से महरूम है। हमारे पास तो ये रोज इस किस्म की दास्तानें आती है ना, रिश्तों के मुतालिक मसाइल आते हैं, तो ये बड़ा जुल्म है, ये अलमिया, ये सब वो यूरोप के असरात है यहाँ पर, ये सब यहूद नसारा की तहजीबों के असरात है यहाँ पर, कि एक जवान को अगर पाकीजा पाक दामन बापर्दा खातून जिस पर किसी गैर महरम की निगाह न पड़ी हो अगर उसे वो खातून पसंद नहीं है तो फिर उसे क्या पसंद है, उसकी जिंदगी का क्या मेयार है, यानी उसकी जिंदगी का मेयार और एक गधे और कुत्ते और जानवर की जिंदगी का मेयार बराबर है फिर, कि एक पाक दामन खातून इसे पसंद नहीं है, बाहया खातून इसे पसंद नहीं है, बापर्दा खातून इसे पसंद नहीं है, जिसने कभी गैर महरम की तरफ निगाह नहीं उठाई है और जिसने कोई गैर महरम की बात को कभी न सुना हो, जो हमेशा बापर्दा रही हो, वो उसे पसंद नहीं। अल्लाह अकबर। तो ये बड़ा अलमिया हो गया आज। पिछले दिनों मेरे पास इसी तरह से एक मैसेज आया किसी खातून का, अब वो शोहर मजबूर कर रहा है कि मेरे साथ तुम निकलो बगैर हिजाब के, और अगर तुम नहीं निकलोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मेरे दोस्त आएंगे, मेरे दोस्तों से आपने मुलाकात करनी है, अपने सामने बैठना है। ये कितना बड़ा जुल्म है, मतलब है कि हया और गैरत का जनाजा ही निकल गया। हया किस चीज का नाम है, यानी उस मर्द के अंदर भी हया नहीं रही, उस मर्द में हया नहीं रही, वो औरत को भी बेहयाई पर लेके आ रहा है। तो ये
ये औरत, ये हया, ये तो मर्द में ज्यादा भड़कती है। आप जानते हैं कुरान मजीद के अंदर बड़ा अजीब नुक्ता है इस जगह पर, जहां पर भी फिरौन ने बच्चों को कत्ल किया और वहां पर जब बात अल्लाह पाक जिक्र करता है तो युज़बिहूना अबनाअकुम वयस्तहयूना निसाअकुम युक़त्तिलूना अबनाअकुम वयस्तहयूना निसाअकुम, ये लफ्ज बार बार आप सुने, कभी आप गौर करें इस लफ्ज पर। क्या कहा? युज़बिहूना अबनाअकुम, कि वो तुम्हारे बेटों को, बच्चों को, अबना इबन की जमा है, तुम्हारे बच्चों को ज़िबह करता था, और वयस्तहयूना निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को छोड़ता था। ये नहीं कहा तुम्हारी बच्चियों को छोड़ता था। जिस वक्त कोई पैदा होता था नया नौ मौलूद, तो अगर बच्चा है तो कत्ल कर दिया जाता और बच्ची है तो छोड़ दी जाती। फिरौन का ये मिशन था। तो अब कुरान क्या कह रहा है? कहना तो ये चाहिए था कि तुम्हारे बच्चों को वो कत्ल करता था और तुम्हारी बच्चियों को वो छोड़ता था, लेकिन कुरान ने कहीं भी ये लफ्ज नहीं कहा। यही लफ्ज हर जगह पर कहा, युक़त्तिलूना या युज़बिहूना अबनाअकुम, तुम्हारे बच्चों को कत्ल करता था और तुम्हारी औरतों को छोड़ता था। ये औरत का लफ्ज इसलिए कहा है ताकि गैरत भड़के मर्द के अंदर। अगर मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई खबर ले आता है किसी के बारे में कि फलां की बच्ची अगवा हो गई, दो साल तीन साल बच्ची, अच्छा अगवा हो गई। अगर कहा जाए कि जनाब फलां की जनाब 20 साल बेटी जवान अगवा हो गई, तो ये इज्जत और गैरत के खिलाफ है ना ये बात। तो बात में यह अर्ज कर रहा था कि अगर मर्द के अंदर भी इतनी हया न रही कि वो अपनी औरत को, अपनी बीवी को बेहयाई की तरफ रागिब करता है और बेहयाई की दावत देता है, तो फिर इसकी जिंदगी में और जानवर की जिंदगी में क्या फर्क है? तो इसलिए अपने माशरे को पाक दामन करो, अपने माशरे के अंदर पाक दामनी लेकर आओ। और हमें ये बात बार बार चलानी है अपने पाकीजा माशरे को पाक करने के लिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हयादारी के मुतालिक इतना कुछ बताया, इतना कुछ बताया, और फिर आपने फरमाया मैंने गुज़िश्ता अंबिया में से 70 नबियों के कलाम में यह बात देखी है, सुनी है, इदा लम तस्तहि फसना माशेता, कि जब आदमी के अंदर से हया रुखसत हो जाए तो जो चाहता है करता है। हया ही तो इंसान को रोकती है ना, हर जुर्म से हया ही तो रोकती है। और हया को ईमान का एक हिस्सा करार दिया, हया को ईमान का शोबा करार दिया। तो हया मर्द के अंदर भी होनी चाहिए, हया औरत के अंदर भी होनी चाहिए। और हया यही है कि इंसान की निगाह झुकी हुई हो, ये हया है। मर्द की निगाह भी झुकी हुई, कुल लिल मोमिनीन यगुद्दु मिन अबसारहिम व यहफ़ज़ु मिन फुरूजहिम, मर्द की निगाह औरत से झुक जाए ये मर्द की हया है, औरत की निगाह मर्द से झुक जाए ये औरत की हया है। तो फरमाया वल मुहसनात मिनल मोमिनात, ठीक है, वल मुहसनात, और हलाल है तुम्हारे लिए पाक दामन मोमिनों से निकाह करना, मोमिन औरतों से, वल मुहसनात, और पाक दामन उन औरतों से, मिनल लदीन उतुल किताब, जो अहले किताब में से हो, मिन कबलिकुम, तुमसे पहले जो किताब जिनको दी गई है। लेकिन शर्त यह है, इदा आतैतुमुहुन्न उजूरहुन्न, जब तुमने उनको महर पूरे पूरे दिए हों, मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, लेकिन तुम्हारा निकाह करने का मकसद क्या हो? मुहसिनीन, पाक दामनी हासिल करना हो, गैर मुसाफिहीन, महज अपनी ख्वाहिश पूरा करना ना हो, महज नफ्स का तकाजा पूरा करना न हो, पाक दामन बनना। औरतों को भी यह निकाह का मकसद समझाया, मर्दों को भी यह निकाह का मकसद समझाया। और सूरत नूर में है, वान के हल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुकरा युग्निहिमुल्लाहु मिन फज़ली, तुम अपने माशरे में जो बेनिकाह हैं मर्द या औरतें, उनके निकाह कराया करो, उसमें जल्दी करो तुम, और अगर वो फकीर हैं तो गम न करो, अगर उनकी नीयत पाक दामनी की हुई तो अल्लाह पाक अपने फजल से उन्हें गनी करेगा। यह तो अल्लाह का वादा है, निकाह पर गिना आता है, निकाह पर मालदारी और गिना का वादा है। वला मुत्तखिदी अखदान, और कितनी अहम बात है कि निकाह का मकसद क्या हो? मुहसिनीन, पाक दामनी, ये निकाह का मकसद समझाया। गैर मुसाफिहीन, महज अपनी जरूरत को पूरा करना ना हो, महज जरूरत तो जानवर भी पूरा करता है, वो तो हैवान भी अपनी जरूरत को पूरा करता है, जिनसी तस्कीन वो भी हासिल करता है। तो एक इंसान में और हैवान में क्या फर्क है? इंसान में ये फर्क है कि जब ये निकाह करता है तो इसकी जिनसी तस्कीन एक जगह महदूद होकर रह जाती है, फिर निकाह करने के बाद अगर फिर वो 10 जगह मुंह मारता है और बुरी निगाह से कहीं देखता है, तो फिर उस जानवर में इस जानवर में क्या फर्क है? वो चार टांगों वाला, ये दो वाला है बस।
वला मुत्तखिदी अखदान, और फरमाया छुप कर दोस्तियां लगाना न हो, छुप कर ताल्लुकात कायम करना न हो, न लड़का लड़की से न लड़की लड़के से किसी किस्म का छुप कर ताल्लुक कायम करना। वला मुत्तखिदी अखदान, खदन कहते हैं दोस्त बनाना, छुप के दोस्त बनाना, पोशीदा तौर पर दोस्त बनाना। और आजकल आप देखते हैं नेट पर दोस्तियां चलती हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर, और उसके मफासिद अल अमान वल हफीज, बदतरीन ऐसे मफासिद आते हैं कि खानदानों की इज्जतें लुट जाती। एक कजिया मेरे पास आया, एक मुसलमान घराने की बच्ची, दीनदार घराने की बच्ची, उसकी उसका ताल्लुक किसी यहूदी लड़के से हो गया, और कह रही है मैं उसी से निकाह करूंगी। एड़ी चोटी का जोर लगा रहे मां बाप के, बेटा नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए जेब नहीं है, हमारी इज्जत रुल जाएगी। और उसके दिमाग में, उसके जुनून में ये सवार है, वो कहती है तुम्हारे घर से मुझे मिला क्या है। हुब्बुका शय युअमी व युसिम, मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना प्यारा इरशाद है, हुब्बुका शय युअमी व युसिम, किसी चीज की मोहब्बत तुम्हें अंधा और बहरा कर देगी। और जब ये मोहब्बत नाजायज उठती है अंदर, तो ये इंसान को अंधा कर देती है, ये उस लड़की को अंधा कर देती है, कि इसको न मां नजर आती है, न इसको बाप नजर आता है, इसको दिन सारे दिन की मुशक्कत और खाक और धूल एक करके कमा के लाने वाला बाप, उसकी इसे नजर नहीं आती, उसकी इज्जत, इसे मां की इज्जत नजर नहीं आती, इसे भाई की इज्जत नजर नहीं आती, इसी तरह से इस जवान को अपनी मां की इज्जत नजर नहीं आती, इसे अपनी बहन की इज्जत नजर नहीं आती, इसे अपनी बहन के साथ कोई लगाव और प्यार नहीं होता, इसलिए कि अंदर ख्वाहिश है, नफसानी तकाजे अंदर। और मैं तो ये बात एक कहा करता हूं अक्सर कि इस किस्म के जितने भी ताल्लुकात जब कायम होते हैं ना, तो शैतान इसको भी उसके महासिन दिखाता है, खूबियां दिखाता है, और उसको इसकी खूबियां दिखाता है, क्योंकि शैतान है ना बीच में, बीच में शैतान काम दिखा रहा है। और ये मर्द जो है, ये लड़का, ये उसको हूर पर ही समझ रहा है, और वो इसको जन्नती पता नहीं क्या समझ रहा। और होता क्या है कि उसके बाद जब बाहमी निस्बतें कायम हो जाती हैं, रिश्ता अगर बन जाता है, तो उसके बाद क्या है, दोनों के ऐब खुल जाते हैं, शैतान बीच में से हट गया, दोनों की हकीकत जाहिर होती है, और फिर नतीजा जुदाई हो जाती है। तो हम अपने घरों को पाक दामन रखें। दायरे इस्लाम में कैसे रहेगी, गैर मुस्लिम के साथ निकाह करना ही उसको, उसको उसने अगर हलाल समझा है तो कैसे रहेगी। इसलिए कुफ के अंदर निकाह का एहतमाम करो, इसमें कोई शक नहीं, इस्लाम मुसलमान की कुफ मुसलमान के साथ है, बराबरी का एतबार इस्लाम ने दिया है कि भाई आप माल में भी कुछ बराबरी देखो, आप हुस्न जमाल में भी बराबरी देखो, लेकिन इसको फर्ज नहीं करार दिया गया। अहले किताब से ही बना है, तुम्हारे रजी अल्लाह की बात आपके सामने पेश कर चुका हूं। जी बिल्कुल, दोनों का एक दूसरे से। जी वैसे कि अहले किताब को लड़की देना, ये तो कुरान की नस से भी हराम है, ये तो किसी भी सूरत में जायज नहीं है कि हम अपनी लड़कियां वहां दें, ये तो किसी तरह से भी जायज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह से नेकी मांगा करो, पाक दामनी मांगा करो, अपनी औलादों के लिए पाक दामनियां मांगा करो। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, ये दुआ पढ़ा करो। ऐ हमारे परवरदिगार, हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन, हमारी बीवियों को और हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना। और ये दुआ दोनों के लिए, मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी, अजवाज का इतलाक दोनों पर होता है। औरत भी यूं ही दुआ करे कि या अल्लाह हमारे शोहरों को, हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना, वह जानला लिल मुत्तकीन इमामा, नेक लोगों का हमें पेशवा बना। हम नेक लोगों का पेशवा कहां बनना चाहते हैं, हम नेक लोगों का मुख्तदी नहीं बनना चाहते, तो पेशवा तो बात की बात है, पीछे नहीं चलना चाहते। तो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और इन सब अहकाम के बाद अब अगली वईद देखो, डांट देखो। वमन यकफुर बिल ईमान फकद हबिता अमलु, इसके बाद जो आदमी कुफर करता है ईमान के साथ, ईमान का इनकार करता है इन हराम करदा चीजों को जो हलाल समझेगा, तो फकद हबिता अमलु, उसके अमाल बर्बाद है। फिर
وهو في الآخرة من الخاسرين, اور وہ آخرت میں تو بڑا نقصان والا ہے, خسارے والا ہے. تو حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو اور ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اب طہارت کے مسائل کا بیان ہے, چونکہ مضمون یہ تھا سورت کا اللہ کے وعدوں کو پورا کرو. ان وعدوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جہاں طہارت کا حکم ہے طہارت کو اختیار کرنا, یہ بھی اللہ کے عہد میں آتا ہے. اور طہارت ہوتی ہے نماز کو پانے کے لیے. نماز جیسی ایک اہم فریضہ, اللہ کے سامنے جب آپ پیش ہوں گے تو اس سے پہلے آپ کو یہ اعمال کرنے ہیں. اذا قمتم الى الصلاه, جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, مراد ارادہ کرو تم نماز کا, اور اگر نماز کا ارادہ تم کرو اور تم بے وضو ہو تو پھر فاغسلوا وجوہکم, پھر اپنے چہروں کو تم دھو دیا کرو. وایدیکم الى المرافق, اور اسی طرح سے اپنے بازوؤں کو دھو دیا کرو. الى المرافق, کوہنیوں سمیت دھو دیا کرو. وامسحوا, اور مسح کر لیا کرو. برؤوسکم, اپنے سروں کا. وارجلکم, اور پاؤں کو دھو لیا کرو. الی الکعبین, ٹخنوں سمیت. یہ چار فرائض وضو کے یہاں پر ذکر ہے. امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت سے چار فرائض کا استدلال فرمایا ہے کہ یہ چار چیزیں وضو کے اندر فرض ہیں. پہلا فرض ہے فاغسلوا وجوہکم, چہرے کو دھو. اور یہ جو ہم مقدار چہرے کی بیان کرتے ہیں کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک, دیکھو یہ بات ہے استنباط مسائل کی. یہ فقہا کا کام ہے. یہ کہاں سے سمجھ میں آیا؟ یہ لفظ وجوہ سے سمجھ میں آیا. صاحب ہدایہ, فقہ حنفی کی ایک بہت معتبر کتاب ہے, مستند کتاب ہے ہدایہ, تو وہ لکھتے ہیں کہ وجوہکم کا لفظ بتا رہا ہے کہ چہرے کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کے کان کی لو تک. لفظ وجوہ سے استدلال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وجوہ مواجہ سے ہے. مواجہ کا معنی سامنے والا حصہ, اور سامنے والا حصہ جب کوئی آدمی سامنے والا آ رہا ہوتا ہے تو اس کے یہاں سے لے کر یہاں تک, یہاں سے یہاں سارا نظر آتا ہے. کہ جب آپ سامنے کسی کو دیکھتے ہیں تو یہی حصہ سامنے میں نظر آتا ہے, تو یہی نظر آنے والا حصہ یہ وجوہ کہلاتا ہے, یہ چہرہ کہلائے گا. اس کا دھونا, یہ اگر بے وضو ہیں تو پھر اس کا دھونا تمہارے لیے فرض ہے. وَأَيْدِيَكُمْ, اور ہاتھوں کا دھونا ہے. إِلَى الْمَرَافِقْ, کہاں تک؟ کوہنیوں سمیت. لفظ ید, ایدی جمع ہے ید کی, اور ید کا اطلاق عربی زبان میں ہاتھ کے ناخنوں سے لے کر کندھے تک کے حصے کو ید کہا جاتا ہے. اگر ال المرافق نہ کہتے تو پھر کندھے تک دونوں فرض ہو جاتا, سمجھے جی. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, اور ہاتھوں کو دھونا ہے. إِلَى الْمَرَافِقِ, کونیوں تک, یعنی کونیوں سمیت. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اور مسح کرنا ہے اپنے سروں کا. یہاں پر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, سروں کا مسح کرنا ہے. چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے, اور اس چوتھائی کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتا سبات اتا قوم, ایک قوم کی گندگی کا جو ڈھیر تھا, کچرا کنڈی, وہاں تشریف لائے. فبال و توضا, آپ نے اپنی حاجت کو پورا فرمایا اور وضو فرمایا, اور وضو میں میں نے دیکھا کہ وہ مسح علی ناصیحتی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کے بالوں کی چٹی پر یہاں پر آپ نے مسح فرمایا. تو یہ چوتھائی حصہ کہلاتا ہے. ایک آدمی اگر ہاتھ بھیگا کر کے ایک بار یوں سر پر پھیر لے گا تو یہ چوتھائی, یوں کر لے گا تو یہ چوتھائی حصہ ہو جائے گا. تاہم استعاب رأس, پورے سر کا استعاب کرنا یہ مسنون ہے, یہ سنت ہے. اور سنت ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں, نہیں, چھوڑنا نہیں چاہیے. سنت وضو کے اندر ایک کوتاہی ہوگی, ایک سنت چھوٹے گی, تو اس وضو کی سنت کو چھوڑنے کے بدترین اثرات نماز میں آئیں گے. نماز میں آپ کو وسوسے آئیں گے, نماز میں خیالات آئیں گے. آج کل لوگ کہتے ہیں نماز میں خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں. کیوں نہ وسوسے آئیں, وضو ہی ٹھیک نہیں کرتے, تو وضو سنت کے مطابق نہیں ہے. وضو میں ایک ایک سنت کا اہتمام, مسواک, اگر آپ نے مسواک کا اہتمام نہیں کیا سنت چھوٹی ہے, اور سنت چھوٹی ہے تو چابی کے دندانے ٹھیک نہیں ہیں, تالا کیسے کھلے گا؟ یہ سنتیں دندانوں کی طرح ہے, تو اس لیے ضروری ہے. مسواک کی سنت مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی برابر کی ہے. تین مرتبہ اعضاء کا دھونا سنت ہے. پانی اگر حد سے زیادہ آپ نے بہا لیا خلاف سنت ہے, اور عام طور پر ہمارا وضو خلاف سنت اس لیے ہو جاتا ہے, پانی بے انتہا باتیں, نل کھول کے شروع ہو جاتے ہیں, بتاتا ہوں. تو پانی کے اندر احتیاط کی جائے. ایک لوٹا پانی جو معتدل لوٹا ہے, یہ لوٹا کفایت کرتا ہے. اس سے زیادہ اگر کوئی آدمی وضو میں استعمال کرے گا, چاہے وہ نہر پر بیٹھا ہے, تب بھی اسراف ہے, پھر وضو کا وہ فائدہ نہیں ہے.
ख्याल किया जाए, इबादात है ना, तो इबादात को हम उसी तरह से अंजाम देंगे जिस तरह से नबी अलैहिस्सलाम ने की हैं, आप अलैहिस्सलाम का हुक्म है। और इसी तरह से बैठकर वजू करना मुस्तहबात में से है। मुस्तहब उस अमल को कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आम तौर पर किया हो, कभी कभी आपने छोड़ दिया। सुन्नत उस अमल को क्या कहा जाता है जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने दवाम किया हो, हमेशा की फरमाई हो और कभी भी आपने न छोड़ा हो। हाँ, शदीद कोई मजबूरी आई तो आपने छोड़ दिया, उसको सुन्नत कहा जाएगा। और मुस्तहब कि आप अलैहिस्सलाम ने किया हो लेकिन बगैर मजबूरी के भी कभी आपने छोड़ दिया हो। और हमारे वजू तो होते ही खड़े होकर, कभी मस्जिद में चले गए तो बैठकर, घरों में तमाम नहीं है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, हमारे घर के अंदर सारी चीजें, टीवी लॉन्च है, हमारे घर में मुसल्ला नहीं है, नमाज की जगह नहीं है, मस्जिद नहीं है हमारे घर में, नमाज घर का एक कमरा। हदीस में आता है आप अलैहिस्सलाम ने आयशा रजी अल्लाह तआला से भी इरशाद फरमाया और अस्हाब से भी, एक घर का कमरा, एक जगह, कमरा आपके पास एक ही है, जब भी उसका एक कोना नमाज के लिए मुख्तस होना चाहिए, खवातीन वहां नमाज पढ़ें और वो साफ सुथरा हो, उसमें बच्चों को न दाखिल होने दिया जाए, साफ सुथरा हो, खवातीन वहां ही एहतिकाफ करें, उसी जगह पर नमाज पढ़ें। तो घर में एक हिस्सा ऐसा रखा करो। इसी तरह से घर के अंदर जब आप घर तामीर करते हो तो घर में वजू करने की जगह रखो ताकि बैठकर आप वजू करो, वजू खाना बनाओ। कुछ दिन पहले मैं एक जगह बयान के लिए गया तो वहां इसी तरह से मैंने ये सुन्नत अर्ज की तो अल्लाह तबारक ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, वो तीन चार आदमी थे, उन्होंने आजम किया कि भाई हम अपने घर के अंदर बाथरूम के सामने वजू खाना बनाएंगे। और फिर एक साहब ने मुझे जाल जाके दिखाया और मैंने वहां बैठ के वजू भी किया, बना लिया उन्होंने। अब आप कहेंगे हमारे घर की तो लोकेशन खराब हो जाएगी तो भाई जिस शख्स को ये ख्याल हो कि मुझे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा हो जाएगी, वो फिर इसको नहीं देखेगा। बात अहमियत की है कि सुन्नत की अहमियत है या घर की लोकेशन की अहमियत है, देखना क्या है कि हमारे नजदीक क्या अच्छा है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत घर में सज जाएगी और जब तक वो वजू खाना कायम है आपको सवाब होता रहेगा। आपने नहीं वो हदीस सुनी कि एक शख्स ने सिर्फ यूं क्या रोशनदान रखा, कई के लिए रखा है, कहने लगा रसूल हवा आए, कहा अगर तू ये नियत कर लेता कि अजान की आवाज आए तो तुझे सवाब होता, जब तक ये बना रहता, हवा वैसे भी आती रहती। तो ये तो नियतों पर, कभी हमने घर बनाने से पहले किसी आलिम दीन के पास गए हों भाई क्या क्या मामलात हैं इस घर में, सुन्नत के मुताबिक क्या क्या चीजें होनी चाहिए, लेकिन हमने दीन को सिर्फ नमाज तक समझा है, मस्जिद तक समझा है। एक घर बनाने के अंदर भी तो कोई आदाब होंगे, कोई अल्लाह के नबी ने कोई यहां भी तो उसूल बताया होगा कि इतना बड़ा आप खर्चा कर रहे हो, अल्लाह के नबी ने कोई उसूल इसके लिए नहीं बताया। आपके बैतुल खलाओं का रुख किबले की तरफ ना हो, पीठ किबले की तरफ ना हो, मुंह किबले की तरफ ना हो। साफ साफ हदीस में आया है, सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, यहूदी ने कहा, बड़ा मजाक उड़ाया उसने, सुना तुम्हें तुम्हारा नबी इस्तिंजे के तरीके बताता है, खुश होके फख्र से कहा हाँ हाँ हमें हमारे नबी ने इस्तिंजे का तरीका भी समझाया, तुम्हें बुरा लगता है, लगे हमें हमारे नबी ने बताया कि जब तुम में से कोई इस्तिंजे को आए तो किबले की तरफ पीठ भी ना करे और किबले की तरफ मुंह भी ना करे। शर्रिकु गर्रिबु, वहां हदीस में अल्फाज है, मशरक को जाओ मगरब को जाओ। वो कुछ ना समझो ने अपनी बाथरूमों के रुख मशरक और मगरब में कर दिए, नहीं समझे बात को। अब वो मदीना मुनव्वरा के लिए है कि शर्रिकु गर्रिबु, कि तुम मशरक की तरफ रुख कर लो या मगरब की तरफ कर लो, वहां किबला शमालन जुनूबन है, समझे जी। तो यहां पर अगर आप मशरक की तरफ रुख करेंगे मगरब की तरफ, सीधा बैतुल्ला की तरफ नहीं जाएगा, तो वो नादान है, हदीस को समझते नहीं है फिर जी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो भाई ये हमारे घरों की जरूरतें हैं कि हमारे घर सुन्नत के मुताबिक हों, बने हुए सुन्नत के मुताबिक हों, वजू खाना उस घर के अंदर मौजूद हो, वजू करने की जगह हो, जहां घर वाले खवातीन माएं बहनें जहां बैठकर वजू फरमाएं, एक आदमी की जगह बाहर बनी हुई हो, वजू खाना बना हुआ हो जहां बैठकर आदमी सहूलत से वजू कर सके, इसमें किसकी हिम्मत करें, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और अगर कोई ना बन सके तो कम अज कम घर में खवातीन बैठकर वजू करने का एहतमाम फरमाया करें। मैं तो फिर वही बात करूंगा, अगर आप वॉशरूमों के अंदर वजू करेंगे तो फिर दुआएं कब पढ़ेंगे, फिर वजू से पहले की दुआ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहां पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मग़फिरली ज़म्बी वस्अली फ़ी दारी वबारिकली फ़ी रिज़्की दरमियान की दुआ कहां पढ़ेंगे। ऐ अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा ले, ऐ अल्लाह मेरे लिए मेरे घर कुशादा कर दे, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को वसी कर दे, ये कहां पढ़ेंगे आप।
अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। मुझे ये बताओ, पांच मरतबा अगर कोई आदमी वजू करते वक्त ये दुआ पढ़ता है तो ये इस जबान से, इस गुनाहगार जबान से जब ये अल्फाज प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए अल्फाज निकलेंगे तो अल्लाह को रहम नहीं आएगा। लेकिन हम महरूम इन दुआओं से, बाथरूम में वजू कैसे, वहां कैसे दुआएं पढ़ेंगे हम, वहां तो नहीं अल्लाह का नाम ले सकते ऊंची आवाज से। तो ये बनाने की जरूरत है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक जमाने की बात है, बैतुल खला इन घरों से बाहर हुआ करती थी, हमामात ये सब चीजें घरों से बाहर होती थी, तो शयातीन का घरों के अंदर आना जाना कम होता था। अच्छा, ये साफ साफ हदीस में कहा गया कि ये बैतुल खलाएं, ये निजासत की जगह, यहाँ शयातीन आते हैं। जब शयातीन आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके घर के अंदर बाथरूम जितना भी साफ सुथरा किया हुआ हो वो शैतान का अड्डा तो है, और जिन्नात और शरीर जिन्नात का अड्डा तो है। अगर आप बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े, बगैर दुआ के अगर आप वहां दाखिल हुए तो शैतान ने तो अपना असर दिखाना है, बच्चों पर असर अंदाज होना है उसने। ला इलाहा इल्लल्लाह। इदा कुमतुम इला सलाति फगसिलू वुजूहकुम, और फरमाया जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाया करो, फगसिलू वुजूहकुम अपने चेहरों को धो दिया करो, वाईदियाकुम और अपने हाथों को धो लिया करो, इलल मराफिक कोनियों समेत, वमसहू और मसह कर लिया करो, बिरूसिकुम अपने सरों का, व अर्जुलकुम और पैरों को धो दिया करो, इलल काबैनि टखनों तक, व अर्जुलकुम का आतफ है आईदिया पर, पहले वाले पर, व इन कुंतुम जुनुबन फत्ताहरू, ये तो पहले वजू के मसाइल थे, अब गुसल के मसाइल। व इन कुंतुम जुनुबन, और अगर तुम जनाबत की हालत में हो, फत्ताहरू तो फिर खूब पाकिजगी हासिल किया करो। ये खूब पाकिजगी हासिल होगी गुसल से। फत्ताहरू का लफ्ज बता रहा है कि मुंह के अंदर की भी पाकिजगी करनी है, नाक के अंदर को भी पाकिजा करना है, इसीलिए कुल्ली करना और नाक में पानी डालना का हुक्म दिया गया है, और पूरे जिस्म पर पानी बहाने का हुक्म दिया गया है। मर्द और औरत दोनों पर जनाबत की हालत तारी होती है, दोनों को गुस्ल का यही तरीका बताया गया है। और इसी तरह से औरत जब अय्याम मखसूसा से पाक होगी या बच्चे की विलादत से जब पाक होगी तो वो भी इसी तरह से तहारत इख्तियार करेगी, इसके बगैर वो उसका जिस्म पाक नहीं होगा। व इन कुंतुम मर्दा, अब हालत उजर में जब आप गुस्ल न कर सके हो, पानी इस्तेमाल न कर सकते हो, या वजू की कुदरत आपको न हो, हालत उजर के अहकाम। व इन कुंतुम मर्दा, और अगर तुम बीमार हो, ऐसी बीमारी के जिस बीमारी की वजह से पानी इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए, कि पानी इस्तेमाल करेंगे तो तुम्हारी बीमारी के बढ़ जाने का खदशा है या जान के चिरी जाने का खदशा है, जिस्म पर जख्म लगे हुए हैं, पूरा जिस्म जख्मी है, पानी लगाएंगे तो पीप भराएगी। औ आला सफर इन, या इसी तरह से तुम मुसाफिर हो, सफर की हालत में हो, औ जा अहद मिनकुम मिनल गाइति, या तुम में से कोई आदमी अपनी हाजत को आ गया है, यानी किसी भी सूरत के अंदर। देखें तीन बातें बताई, अगर तुम बीमारी की हालत में हो तो क्या करना है, पानी तुम्हें न मिले तो फतयम्ममु सईदन तय्यबा तयम्मम कर लिया करो। बीमारी की हालत में हो और पानी के इस्तेमाल पर तुम्हें कुदरत न हो तो क्या करो, तयम्मम करो। नंबर दो, अगर तुम मुसाफिर हो और हालत सफर में तुम्हें पानी मयसर न हो, एक मील के अंदर अंदर तुम्हें पानी न मिलता हो, या तुम्हारे पास पानी है इतना कलील है कि अगर उसको तुम वजू में इस्तेमाल करोगे तो फिर प्यासे रहोगे, तो फिर तुम्हें इख्तियार है कि आप उसको तयम्मम कर लो, आप उसको इस्तेमाल ना करो। इसी तरह से अगर तुम में से कोई आदमी हाजत को आता है, पेशाब को आता है, पूरी बात कर लो, अगर बोलो बराज को कोई आदमी आता है, पेशाब पखाने को कोई आता है, और फिर अगर उसे पानी इस्तेमाल के लिए नहीं मिलता या कुदरत नहीं है इस्तेमाल करने की, तो फिर तयम्मम कर ले। या तुम में से कोई आदमी अव लामस्तुमन निसा, कि तो तुम में से कोई आदमी अब औरतों को छू ले, छूने से मुराद यहां पर जिमा करना है, हम बिस्तर होना है, इस दिवाजी ताल्लुक को आदमी कायम कर ले, और इन तमाम सूरतों के अंदर अगर तुम्हें पानी नहीं मिलता और इस्तेमाल करने की कुदरत तुम्हें नहीं है तो फतयम्ममु सईदन तय्यबा, फिर तुम पाकीजा मट्टी का कस्त कर लिया करो, यानी तयम्मम कर लिया करो। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? जी हाँ, ये सवाल अच्छा पूछा आपने, चूंकि मैंने उसको छेड़ा इसलिए नहीं है कि मैंने कहा आप लोगों की समझ से ऊपर की बात थी तो इसलिए मैंने नहीं छेड़ा, तो बहरहाल कोई ना कोई तो समझने वाला है ही, अच्छी बात है।
यहां मसला यह है कि वह अर्जुला गुम इलल काबैन, अर्जुला इसको जबर आई है लाम पर, मंसूब कहलाता है, और मैंने अर्ज किया कि इसका अतफ ऐदिया पर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि फगसलू वजूहकुम, और दो दो अपने चेहरों को, वह ऐदिया गुम और अपने बाजुओं को, और वह अर्जुला गुम और अपने पैरों को। तो इसका ताल्लुक पहले वाले दो लफ्जों के साथ है, वजूहकुम व ऐदिया गुम व अर्जुला गुम, ये एक साथ हो जाएंगे। फिर बीच में बात आ जाएगी मसे की, वमसहु बिरुउसिकुम, सरों का मसा करो। बाज लोगों ने यह कहा कि अर्जुला गुम का ताल्लुक होता है रुउस के साथ, इसका ताल्लुक है वमसहु बिरुउसिकुम, तो लिहाजा अगर बिरुउसिकुम के साथ इसका ताल्लुक हो, उस पर आतफ हो, तो फिर इसको पढ़ेंगे वमसहु बिरु उसिकुम व अर्जुलिकुम, फिर लाम पे नीचे जेर आ जाएगी। अच्छा, जब जेर आ जाएगी तो फिर अब दो एहतमाल हैं, जेर आएगी तो अब इसमें एक एहतमाल ये है कि सर का मसा करना है, पांव का भी मसा करना है। कब मसा करना है पांव का, कि जब आपने मोजे पहने हुए हो, तो तब। एक किरात के अंदर है वम सहु बिरुउसिकुम व अर्जुलिकुम, समझे, कि अपने सरों का भी मसा कर लो और इसी तरह से अपने पैरों का भी मसा कर लो। और हदीस में इसका बयान मौजूद है कि जब तुम मुसाफिर हो और या हजर में हो, तो अपने मकाम पर हो तो, और तुमने मोजा पहना हुआ हो तो एक दिन एक रात, और अगर तुम सफर में हो मोजा पहना हुआ हो तो तीन दिन तीन रात तुम अपने पैरों पर मसा कर सकते हो। तो इसका ताल्लुक फिर किससे हो जाएगा, मसे वाली सूरत मोजे के साथ खास है कि पांव का मसा करना है तो कब, जब आपने मोजा पहना हुआ हो, तो तब। यहां रवाफिज का जो नजरिया है इस वक्त, और उस बात की तरफ भी इशारा कर देता हूं, और वो इसका अतफ जना रूस पर करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जिस तरह सरों का मसा है इसी तरह से पैरों का भी मसा है, हर हाल में पैरों का मसा है, चाहे मोजा पहना हुआ हो चाहे मोजा न पहना हुआ हो। हम ये कहते हैं कि नहीं, ये बात गलत है, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमेशा पैरों को धोया है, जब आप इस्लाम ने मोजे पहने हुए तो फिर आपने मसा फरमाया। समझ में आ गया, चलो। तो अब बात यह आ रही थी, वह इन कुन तुम मर्दा अव आला सफर, इन मसाइल को फिर जरा देख लो दोबारा। फरमाया वह इन कुन तुम मर्दा, और अगर तुम बीमारी की हालत में हो, अव आला सफर या मुसाफिर होने की हालत में हो, और मुसाफिर से मुराद सफर शरई है, आला सफर का ताल्लुक है। ये नहीं कहा अव कुन तुम मुसाफिरी ना, ये बड़ी अहम बात है। आला सफर लफ्ज आला बता रहा है कि सफर शरई हो, और सफर शरई वही होता है 77.5 किलोमीटर के इरादे से आप निकले हो, तो जब ऐसा नहीं कि यहां से सदर जाना है तो मैं सफर में हूं, समझे। औजा हदम मिनकुम, या तुम में से कोई आदमी आए गायत की तरफ, गायत कहते हैं निचली जमीन को, निशेबी जमीन को, और चूंकि जब बैतुल खलाए मौजूद नहीं थी तो अपनी हाजत पूरे करने के लिए लोग निशेबी जमीन को इंतखाब किया करते थे, तो जब तुम में से कोई आदमी निशेबी जमीन की तरफ आए, और निशेबी जमीन में असल में कुरान अदब के लफ्ज इस्तेमाल करता है, यहां पेशाब पखाने का लफ्ज नहीं कहा गया, तुम में से कोई आदमी निशेबी जमीन की तरफ आए, और जाहिर निशेबी जमीन की तरफ आकर यही काम आदमी करता था, समझे। अवला मस्तमन निसा, या तुम में से कोई आदमी छू लेता है औरतों को, यानी बीवियों को छू लेता है, और छूने से मुराद हम बिस्तरी है, फलम तजिदो मा अन फतयम्ममू, और फिर अगर तुम ना पाओ मा पानी, तो फतयम्ममू सईदन तय्यबा, फिर तुम कस्त कर लो पाकीजा मट्टी का, यानी तुम तयम्मम कर लो। और फम सहो भी वजूहिकुम, अब तयम्मुम कैसे करना है, फम सहो भी वजूहिकुम, अपने चेहरों का मसा कर लो, व अयदियकुम मिन हो, और अपने हाथों का भी मसा कर लो उसी पाकीजा मट्टी से। यहां यह बात ज़हन नशीन फरमा लें कि वजू और गुसल दोनों का तयम्मुम एक ही है। एक आदमी को गुसल की हाजत हो गई, और अगर उसके पास पानी मौजूद नहीं है, या पानी इतना कलील है कि गुसल करेगा तो पीने के लिए नहीं रहेगा, या शदीद सर्दी है और गर्म करने का कोई बंदोबस्त न हो, ये उस सूरत के अंदर के जब अपने शहर से अपने घर से बाहर हो, तो तब सफर में आ, तो तब उसे डर है कि अगर मैं पानी ऊपर डालूंगा तो बस मौत आ जाएगी, मुझे मर जाऊंगा, ठंडक इतनी है, तो उसे इख्तियार है कि ठीक है पानी मौजूद है लेकिन इस्तेमाल करने की कुदरत नहीं है, तो तयम्मम कर ले। और तयम्मम वजू का भी और गुसल का भी एक ही तयम्मम है, कि एक मर्तबा आपने इरशाद फरमाया अत तयम्मम ज़रबतान, दो ज़रबा हैं, ज़रबतुन लिलवज व ज़रबतुन लिज़िराइनी, एक ज़रबा चेहरे पर और एक हाथों पर। एक मर्तबा जमीन पर आदमी हाथ रखकर मिट्टी को हाथों से यूं झाड़ ले, और झाड़ने के बाद चेहरे पर भर ले, जहां जहां तक चेहरा धुलता है वो सारे हिस्से पर हाथ फिर जाना चाहिए, और दूसरी मर्तबा जमीन पर तो दोनों हाथों को अच्छी तरह से करके मल ले कि कोई भी हिस्सा खाली ना रहे, बस ये तयम्मुम हो गया। नियत करनी है पाकी हासिल करने के लिए ऐसा कर रहा हूं, और उसके बाद जो ना ये अमल करना है तो आप पाक हो जाओगे।
और ये तयम्मम आपका हो गया, इस तयम्मम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस वक्त तक जब तक आपको पानी के इस्तेमाल करने की कुदरत नहीं है। समझे जी, मिसाल के तौर पर आपने जोहर की नमाज के लिए तयम्मम किया है, अभी असर का टाइम फिर आ गया है, फिर वही कैफियत है और आपका तयम्मम बाकी है, बीच में कोई और नाकिज़े वजू चीज पेश नहीं आई है, तो ठीक है, आप सोए नहीं है, आप बैतुल खला में नहीं गए हैं, कोई हाजत पूरी करने आप नहीं गए हैं, आपका तयम्मम बरकरार है, असर की नमाज भी इसी से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप हाजत के लिए चले गए और फिर भी वही सूरत है, अभी भी आपको जो है वो मयसर नहीं है, पानी इस्तेमाल करने की कुदरत नहीं है, तो ठीक है, अब आप जो है वो फिर दोबारा से तयम्मम कर लें। ठीक है जी, यहां एक बात और, बड़े अहम मसाइल हैं, बहुत पेचीदा और बारीक मसाइल है, ये भी ज़हन नशीन फरमा लें कि अगर एक आदमी के पास पानी नहीं है तो फिर तयम्मम करने की इजाजत है, और पानी हो तो फिर इजाजत नहीं, लेकिन पानी से मुराद पानी है। अगर एक आदमी के पास कोई और किस्म का पानी, शरबत रखा हुआ है मिसाल के तौर पर, और वाफिर रखा हुआ है, तो इससे वजू करना जायज, बोलो, नहीं होगा। ठीक है ना, पेप्सी की बोतल रखी है आपके पास, सेवन अप की बोतल रखी है मिसाल के तौर पर, और तो कोई शय नहीं मिल रही है, यही सामने आ गई है, तो इससे वजू नहीं कर सकते। देखो, वजू पानी माए मुतलक से होता है, मा जिसको पानी कहा गया, और पानी जिसके अंदर रिक्कत भी मौजूद हो, उसका अपना जायका भी मौजूद हो, उसका अपना रंग भी मौजूद हो, अपनी असली हालत पर हो। हाँ, ये अलबत्ता आपको गुंजाइश है कि ऐसी माए अशिया, बहने वाली लिक्विड अशिया जो पाक हैं, अगर वो आपके पास है, आपके जिस्म पर कोई नापाकी लग गई है, खून लग गया है, पेशाब पखाना लग गया है, वो आप धो सकते हैं, वो पाक हो जाएगी, लेकिन वजू के लिए पानी शर्त है। और अगर पानी नहीं है तो फिर हम मट्टी की तरफ जाएंगे, यानी पाकीजा मट्टी से तयम्मम हासिल करेंगे। और तयम्मम के लिए भी जरूरी है कि आप पाकीजा मट्टी पर हाथ फेरेंगे, गर्द गुबार हो, या इसी तरह से हर वो शय जिस पर गर्द गुबार तो नहीं है लेकिन जमीन की जिंस है, पत्थर है, जमीन के अंदर से निकला है, ईंट है, जमीन की जिंस में से है, तो अगर उस पर ऊपर गर्द गुबार नहीं है तो तब भी हो जाएगा। बाकी लकड़ी पर, कपड़े पर, प्लास्टिक पर, लोहे पर गर्द गुबार मौजूद है, आप हाथ रखें तो गर्द नजर आए, तो कराची में वैसे भी नजर आता है अच्छा खासा, तो हो ही जाएगा तयम्मम। अल्लाह अकबर। हैं जी, तयम्मम ने नहीं कहा। हाँ, तो वमसहु बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन, यहां पर ये सवाल उन्होंने पूछा है कि यहां पर तयम्मम के अंदर कहा कि चेहरे का मसा करो और अपने बाजुओं का मसा करो, यहां इलल मराफिक का लफ्ज नहीं कहा, तो बाजू का इतलाक तो नाखनों से लेकर कंधे तक होता है, तो यहां मराफिक नहीं कहा, कोनियों तक नहीं कहा, तो इसलिए नहीं कहा कि वजू जो है, तयम्मम जो है, ये वजू का बदल और नायब है, तो असल के अंदर जहां तक हुक्म है और तबा के अंदर भी वहीं तक हुक्म होगा। इसलिए ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ما يريد الله, अल्लाह ने यह हुक्म तुम्हें क्यों दिया है? मा युरीदुल्लाहु, अल्लाह तबारक तआला नहीं चाहता, लियजअल अलैकुम मिन हरज, तुम्हारे ऊपर कोई तंगी डाले कि भाई नहीं, अब आप तुम्हें गुस्ल ही करना है लाजमी तौर पर, तुम्हें वजू ही करना है लाजमी तौर पर, तयम्मम को अगर न मशरू करार दिया जाता, न जायज करार दिया जाता तो कितनी मुशक्कत होती। समझे जी, वलाकिन युरीदुलियुतहिरकुम, एक बात मैं और कह दूं, ज़हन नशीन फरमा लें, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मैं मुशाहदात, मेरे मुशाहदात में तो कम अज कम ये बात है, जवानों से पूछता हूं, अरे नमाज में नहीं आए, गुस्ल की हाजत थी, लाइट नहीं थी, अच्छा लाइट नहीं थी तो फिर क्या था, मोटर नहीं चली जी, पानी नहीं भरा, तो ये नहीं, ये उजर नहीं है कि जिसकी वजह से आप नमाज छोड़ें, ये उजर नहीं है। आप पड़ोस से पानी लें, आप खरीद लें किसी जगह से, तो आपके घर के अंदर लाइट का न होना, मोटर का खराब हो जाना, बिजली का न होना और पानी मौजूद न होना, और फिर गुस्ल की हाजत में है, और ये तयम्मम के लिए उजर नहीं है। समझी, शहर के अंदर अगर आप रहे, एक मील तक आपको पानी मैसर होने की कोई सूरत ना मौजूद। हाँ, अगर आप देखते हैं कि इससे भी मांगा, ये भी अल्लाह का बंदा बखीर, इसने भी नहीं दिया, उसने भी नहीं दिया, जिस से मांगा किसी ने पानी की एक बाल्टी भी नहीं दी है, और बाहर जाके दुकान पे खरीदता हूं तो वो महंगा मिलता है, इतना महंगा मिलता है कि जो आमतौर पर पानी का रेट नहीं है उससे डबल है,
اور وہ خریدنے کی استطاعت نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتے پھر تیمم کر لیجیے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ پاک نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کسی قسم کی تنگی کو لائے, ولیکن یرید لیطہرکم, اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں تو پاک کرنا چاہتا ہے, ولیتم نعمتہ, اور اللہ پاک چاہتا ہے کہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کرے, کہ دین کے احکام آسان کر کے اللہ نے پیش کیے, لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ پاک کا شکر ادا کرو. تو اب اندازہ کرو کہ کتنے اہم مسائل ہیں یہ طہارت کے, یہ ایک آیت پر یہ ابھی بھی میں نے پوری بحث نہیں کی ہے, کیوں سمجھے کہ یہ اس کا ایک چوتھائی حصہ بھی بحث نہیں ہوئی ہے جو اس ایک آیت پر میں نے باتیں کی. یہ طہارت کے بڑے تفصیلی احکام ہیں, تو میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ بھائی ہم وہ کورس رکھنے والے ہیں طہارت کے مسائل سکھانے کے لیے, خواتین کے لیے کورس رکھا جا رہا ہے, اس میں عرض کیا تھا کہ خواتین جو شامل ہونا چاہیں ایک معلمہ کے توسط سے انشاءاللہ اس کورس کو ہم آگے چلائیں گے تاکہ طہارت کے پاکیزگی کے مکمل مسائل سامنے آ جائیں. یقین جانیے عورتوں کی پاکیزگی کے مسائل اتنے مشکل ترین مسائل ہیں, ایام مخصوصہ کے مسائل نہیں پتا عورتوں کو, اور مسائل سیکھنے کے ہیں, جاننے کی ضرورت ہے کہ نماز فرض ہو گئی ہے پاک ہو گئی ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے بیچاری کو, پاک نہیں ہوئی ہے نماز پڑھ رہی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے, میں بات بالکل صاف کہوں گا, میں اس میں مجھے کچھ شرم اور حیا نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے, ایک خاتون آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا خون کا, اور کہنے لگی اللہ کے رسول ایسا ایسا خون آ رہا ہے مجھے بتائیے میں پاک ہو گئی ہوں. تو آپ علیہ السلام نے بتایا لیکن وہ نہیں سمجھی, پھر وہ اور وضاحت چاہ رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں آپ شرماتے ہوئے آپ نے پھر بتایا, پھر اس نے اور وضاحت چاہی, پھر اس نے اور وضاحت چاہی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر میں اس کو لے کے الگ چلی گئی, میں الگ اس کو جا کے سمجھایا. تو ان مسائل کی ضرورت ہے نا, ان کا جاننا ضروری ہے. طہارت کے مسائل پیچیدہ مسائل ہیں, اہم مسائل ہیں. تو یہ ایک بہت مشکل ترین چپٹر ہے طہارت کے ابواب میں, عورتوں کے مسائل مشکل ترین چپٹر ہے یہ, لیکن سیکھنا ہے ان کو, ان مسائل کو جاننے کی ضرورت ہے, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سیکھو. آج کل ہماری بچیاں جو ہے وہ عصری تعلیم میں کیا کیا کہاں کہاں تک پہنچ چکی ہیں, کتنی کتنی ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں, اب بھی کر رہی ہیں, اب بھی آگے چل رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں, شادی کے بعد بھی امتحانات چل رہے ہیں, دے رہی ہیں امتحانات, کبھی طہارت کے مسائل نہیں معلوم, پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں پتا, ولادت کے بعد کی پاکی کب تک ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, کیا ہے, یہ سارے احکام ہیں بھائی. اتنی تفصیل سے اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے, سورۃ البقرہ کے اندر یہ تفصیلی احکام آئے ہیں وہاں پر, تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے درخواست ہے کہ جو اس میں شامل ہونا چاہتی ہیں وہ اپنے نام داخل کرائیں, انشاءاللہ اپنے ناموں کا اندراج کرائیں. انشاءاللہ 15-16 تاریخ سے ہم اس کا آغاز کرنے والے ہیں. تو یہ طہارت کے مسائل کا جاننا بہرحال ضروری ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ, اور اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرو, عَلَيْكُمْ, اللہ نے جو تمہارے اوپر نعمتیں فرمائی ہیں. اور یہ نعمت نہیں ہے کہ اتنے آسان احکام اللہ نے دیے, اور مزے کی بات بتاؤں یہ تیمم کے احکام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے آئے ہیں. ایک غزوے سے واپسی ہو رہی تھی اور اس غزوے سے واپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں میرا ہار گم ہو گیا, ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا, حاجت کے لیے جب میں گئی تو ہار میرا کہیں گر گیا. اب ہار گر گیا تو جناب وہاں سے رخصت ہونے کے نکلنے کی وقت آ گیا ہے, پانی بھی موجود نہیں ہے, اوپر سے نماز کا ٹائم آ گیا ہے, اب ہار کی تلاش میں سارے لگے ہوئے ہیں, ہار ملے تو آگے نکلیں, ہار نہیں مل رہا, ہار گم ہے, پریشان پریشان. تو لوگ ابو بکر صدیق کو کہہ رہے ہیں آپ کی بیٹی نے رکوایا ہے یہاں پر, اس نے ٹھہرا دیا ہے ہمیں یہاں پر. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عائشہ فرماتی ہیں آئے اور خیمے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور دور سے آ کے مجھے گھورا اور ڈانٹنے کی کوشش کی, اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ گئی اور مجھے کہا کہ تم نے ایسا کیا ہے کہ رکوا دیا ہمیں یہاں پر. جب آدمی باہر سے باتیں سنتا ہے تو انسان کی فطرت ہے, مزاج ہے آدمی کا, اللہ اکبر. تو کہا کہ پھر وہ اونٹ کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے تھا,
ऊंट को क्या पता मेरे नीचे हार है कि और पाबंदियां इस पर है। खैर अभी उसी जगह पर थे कि अल्लाह पाक ने ये आयत नाजिल फरमाई, क्या ईमान वालों अगर तुम सफर में हो और तुम्हें पानी मुयस्सर नहीं है, फतयम्ममु सईदन तय्यिबा, तो तुम बाकीदा मिट्टी का कस्त कर लिया करो, तयम्मम कर लिया करो। तो फिर सहाबा खुश हुए, नारा लगाया सबने कि आज आयशा रजी अल्लाह अन्हा की बरकत से हमें तयम्मम के अहकाम मिल गए। और फिर सहाबा ने मुगर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को मुबारकबाद दी कि अबू बकर के खानदान की क्या ही बरकतें हैं, ये कोई पहली बरकत नहीं है, इससे पहले भी कितने अहकाम आपकी बरकत से आ चुके हैं, आपके खानदान की बरकत से आ चुके हैं। सूरत नूर के अहकाम कितने आए हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरकत से। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह पाक की नियमतों को याद करो जो तुम्हारे ऊपर है। वमीसाकहु अल्लज़ी वासाकुकुम बिही, और इसी तरह से अल्लाह पाक के उस अहद को भी याद करो जो अल्लाह पाक ने तुमसे लिया है। बात यही है कि अल्लाह का अहद लिया है कि अल्लाह के अहकाम की पासदारी करोगे। इज़ क़ुल्तुम समिअना व अतअना, जब तुमने यूं कहा है कि समिअना व अतअना, हमने सुना है और हम अल्लाह तेरी इताअत करेंगे। जब आपने कलमे में इकरार किया है अल्लाह पाक की वहदानियत का, रुबूबियत का, उलूहियत का तुमने इकरार किया है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहबर और रहनुमा आपने तस्लीम किया है, तो फिर आपको इताअत करना चाहिए। वत्तकुल्लाहा, अल्लाह पाक से डरते रहो इन अहकाम के मामले में, अहकाम को सीखने की कोशिश करो। इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह तबारक तआला खूब बाखबर है तुम्हारे सीनों के राजों को से भी, जो तुम्हारे सीनों के अंदर राज हैं उन तमाम राजों को अल्लाह पाक बखूबी जानता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़वामीन लिल्लाहि शुहदा बिल्क़िस्त वला यज़रिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअ'दिलू। ये मज़मून कुछ पीछे भी आया है सूरतुन निसा के अंदर पांचवें सिपारे के आखिर में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कूनू क़वामीन लिल्लाहि शुहदा बिल्क़िस्त, कूनू क़वामीन, सीधे सीधे हो जाओ, कूनू हो जाओ, क़वामीन कायम करने वाले, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, शुहदा बिल्क़िस्त अल्लाह के लिए इंसाफ कायम करने वाले बन जाओ। यानी अल्लाह पाक ने अहकाम जो नाजिल फरमाए हैं इंसाफ वाले अहकाम नाजिल फरमाए हैं, तो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से सफीर बनकर इस कायनात के अंदर अदल इंसाफ को नाफिज करो। कूनू क़वामीन लिल्लाहि शुहदा, कायम करने वाले हो जाओ अल्लाह के लिए, शुहदा और गवाह बन जाओ, बिल्किस्त और इंसाफ के गवाह बन जाओ, इंसाफ के साथ गवाहियां दिया करो। वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअ'दिलू, वला यजरिमन्नकुम, और तुम्हें न आमादा करे, न बरअंगेख्ता करे, न उभारे, शनआनु क़ौमिन, किसी कौम की नफरत तुम्हें न उभारे, किस बात पर, अला, इस बात पर, अल्ला तअ'दिलू, कि तुम अदल न करो। पीछे अर्ज किया था ना कि किसी कौम की नफरत तुम्हें अदल से कभी भी ना फेरे, नफरत की वजह से आपने उसकी अच्छी बात को भी ठुकरा दिया, नहीं, एदिलू, अदल करो, इंसाफ करो। हुआ अकरबुल तक्वा, ये तक्वे के ज्यादा करीब है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। देखो बार बार ये लफ्ज आता है जहां अहकाम आते ना, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह पाक तुम्हारे अमाल से बाखबर है। अब अगर तकवा इख्तियार करते हैं, अदल इंसाफ से गवाहियां देते हैं, तहारत के अहकाम की पाबंदी करते हैं, अहकाम को पूरा करते हैं, तो फिर क्या मिलेगा? वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह पाक ने वादा फरमाया उन लोगों से जो ईमान लाए, वअमिलुस्सालिहात, और नेक आमाल किए। नेक आमाल में ये पीछे सारे अहकाम आए, हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, तहारत के मसाइल की उन्होंने पाबंदी की, और तयम्मुम के अहकाम की उन्होंने पाबंदी की, और अदल इंसाफ से गवाहियां देते रहे। लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए बख्शिश का वादा है, वह अजर अज़ीम, और बहुत बड़ा अजर, जिस अजर को अल्लाह अज़ीम कहे कितना बड़ा होगा। लेकिन वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू भी आयातिना, और फरमाया कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वकज़्ज़बू, और जुटला दिया है, भी आयातिना, हमारी निशानियों को, हमारे अहकाम को जुटला दिया, उलाइका अस्हाबुल जहीम, ऐसे लोग दोज़खी हैं। कफ़रू, जिन्होंने कुफर किया, इनकार कर दिया, सिर से माना ही नहीं है हमारी आयात को, वकज़्ज़बो भी आयातिना, या हमारी आयतों को झुठलाया, इस्तेहज़ा उड़ाया, मजाक उड़ाते रहे। तहारत की बात करो तो मजाक उड़ाते हैं, दीन की बात करो तो मजाक उड़ाते हैं, ये इस्तेहज़ा करने वालों के लिए क्या है? उलाइका असहाबुल जहीम, ये दोज़ख़ वाले लोग हैं, दोज़खी हैं। और अगर कोई मोमिन इस किस्म की हरकतें करता है तो वो भी फिर कुछ वक्त तक दोज़खियों के साथ रहेगा। अल्लाह तबारक तआला हम सब के लिए समझना अमल करना आसान फरमाए।